प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 9 में 40 तक की चौपाइयों का पाठ किया, जिसमें सखियां श्री कृष्ण जी को प्रत्युत्तर दे रही थी। तो आज हम आगे का पाठ करेंगे। फल रोपियो आंबो तम तनो, वाड़ कांटा कुटुंब पाखल, बीजो झापो रखो पू करे, काई सियो रेशन मंद ते सुफल। फल देने वाला आम का वृक्ष आपका लगाया हुआ है, कुटुंब परिवार के रूप में कांटों का बाड़ा भी आपने ही खड़ा किया है, द्वार पर रखे वालों के रूप में हमारे लौकिक पति हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, किंतु फल के साथ उनका क्या संबंध है? अर्थात फल रूपी हमारी आत्मा के प्रति आपका ही अधिकार है। फूल फूलिया जेम वेलड़ी, तेताविक से सदारे स्नेह, वचूटे ज्यारे वेल थी, त्यारे तत्क्षिण सूके तेह। जीव अमारा तम कने, काई चरणे वलगा एम, फूल तणी गत जान जो, ते अलगा थाय के म। जिस प्रकार लताओं में फूल लगते हैं, जो सदैव उसके साथ स्नेह के रूप में रस पाकर विकसित होते हैं और लता से अलग होने पर तुरंत ही सूख जाते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा आपके चरण कमल में ही लिपटी हुई है। उन्हीं फूलों की भांति हमारी दशा को समझ लीजिए, इसलिए हम आपसे अलग कैसे हो सकती हैं? तेम जीव अमारा बांधिया, जेम पड़िया माहे जाल, खीण एक सामू नवजो, तो पिंडड़ा पड़े तत्काल। जिस प्रकार माछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा आपके चरणों में बंधी हुई है। यदि आप क्षण मात्र के लिए भी हमारी ओर नहीं देखेंगे तो हमारे शरीर से तत्काल प्राण निकल जाएंगे। जीव अमारा चरणे तम तणे, ते अलगा थाय के म, जल माहे जीव जे रहे, काई मीन केरा वली जे म। हमारी आत्मा आपके चरण में समर्पित है, वह आपसे अलग कैसे हो सकती है? जिस प्रकार मछली जैसे जलचर जल में ही रहते हैं और जल से अलग होने पर जीवित नहीं रह सकते, वैसी ही हमारी दशा है। वाला तमे अमसु एम का करो, अमे वचन सयानव जाय, खीण एक सामो नव जुओ, तो तरे तरत अदृष्ट देह थाय। हे धनी, आप हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपके वचन हमसे सहे नहीं जाते। यदि आप एक क्षण के लिए भी हमारी ओर नहीं देखेंगे तो हमारा शरीर भी तत्काल समाप्त हो जाएगा। निखर अमारी आत्मा, अने निठुर अमारा मन, कठण एवा तम तना, अमे तोरे सया वचन। हमारी आत्मा जड़वत हो गई है और हमारा मन भी कठोर बन गया है, इसीलिए आपके ऐसे कठोर वचन हम लोगों ने सहन किए। अम माहे काई अम पणु, जो हो से आवार, तो वचन एवा तम तना, अमे नहीं सांभलू निर्धार। हम में
इस समय यदि थोड़ा सा भी अहम भाव होता तो आपके इस प्रकार के वचन हम अवश्य ही नहीं सुनती। सखिये मन मा वचन विचारिया, काई प्रेम वाद्यो अपार, जोग माया अति जोर थई, काई पाछी पड़ियो तत्काल। सखियों ने अपने मन में उपयुक्त बातों पर विचार किया तो श्री कृष्ण के प्रति उत्कंठ प्रेम उमड़ आया। एक ओर विरह का दुख था तो दूसरी ओर धनी का प्रेम, ये दोनों सम्मिलित हो गए। उस समय योग माया ने अधिक जोर पकड़ा, अर्थात सभी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़ी। तत्क्षण वाले उठाड़ियों, काई आवी ने ली दी अंग, आनंद अति वधारियो, काई शोकनो की तो भंग। तत्क्षण श्री कृष्ण ने आकर उन्हें उठाया और गले लगाया, परिणाम स्वरूप आनंद और स्नेह इतना बढ़ गया कि शोक और दुख का वातावरण लुप्त हो गया। प्रणाम जी।